कल्पना मोहन, जिनका जन्म नाम अर्चना मोहन था। 1960 के दशक में उन्होंने शम्मी कपूर के साथ प्रोफेसर, देवानंद के साथ तीन देवियां, प्रदीप कुमार के साथ सहेली और फिरोज खान के साथ तस्वीर और तीसरा कौन में अभिनय किया था। फिल्मों से दूर वो अपनी बेटी के साथ पुणे में रहती हैं। 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में जन्मी अर्चना मोहन वो क्रांतिकारी अवनी मोहन की बेटी थी। अवनी मोहन पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी करीब थे। बलराज साहनी ने जब पहली बार अर्चना मोहन को देखा तो उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया। अब अर्चना मोहन कल्पना के नाम से जानी जाने लगी थी। कल्पना मोहन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उस वक्त की बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थी। देवानंद की भी नज़र कल्पना पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म तीन देवियां में उन्हें साइन कर लिया। उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री नंदा और सिमी ग्रेवाल के साथ कल्पना ने जोड़ी बनाई। इस फिल्म ने भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। कल्पना की आंखें बेहद खूबसूरत थी। हर कोई उनकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकता था। कल्पना ने करीब 10 साल तक फिल्मों में काम किया। उनका करियर काफी छोटा रहा, लेकिन जब तक वो फिल्मों में रही, दूसरी हीरोइनों के लिए खतरा बनी रही। जब कल्पना ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्होंने एक फिल्म में मधुबाला, जो उस वक्त की सुपरस्टार थी, उन्हें रिप्लेस कर दिया था। हालांकि ये फिल्म कुछ खास चली नहीं, लेकिन मधुबाला को किसी फिल्म में रिप्लेस करना ये बहुत बड़ी बात थी। प्रोफेसर कल्पना की तीसरी फिल्म थी जो सुपरहिट हुई। शम्मी कपूर के साथ इतनी बड़ी हिट देने के बावजूद जब डायरेक्टर्स ने फिर से शम्मी कपूर और कल्पना की जोड़ी बनानी चाही तो शम्मी कपूर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। शम्मी कपूर का कहना था कि वो सन की है। कल्पना को अपने 10 साल के करियर में सोलो फिल्में कम ही मिली। शम्मी कपूर उस वक्त के पॉपुलर हीरो थे। उनके कल्पना को सनकी कहने के बाद से कई अभिनेताओं ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। डायरेक्टर्स भी उन्हें अपनी फिल्म में लेने से कतराने लगे। कल्पना फिर से मशहूर होना चाहती थी, लेकिन अपने गिरते करियर को देखकर वो तनाव में रहने लगी। इसी बीच उनके जिंदगी में लेखक सचिन भौमिक आ गए। कल्पना ने सचिन भौमिक से शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मों से दूर हो गई, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। जल्द ही दोनों अलग हो गए। 1967 में कल्पना ने नेवी ऑफिसर से शादी की। दोनों की बेटी प्रीति भी हुई। कल्पना के पति की ज़्यादा कमाई नहीं थी। कल्पना ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनके ससुर उन्हें धमकाते थे, कहते थे अपना बंगला मेरे बेटे के नाम कर दो। लेकिन कल्पना ने ऐसा नहीं किया और दोनों 1972 में अलग हो गए। कल्पना ने अपनी बेटी प्रीति को अकेले ही पाला। कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे शिफ्ट हो गई थी। आखिर के दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और लकवा मार गया था। वो 5 साल तक अपनी बीमारी से जूझती रहीं। वो इस बीमारी की वजह से बेहद कमज़ोर हो गई थी। पुणे में 4 जनवरी 2012 को उनकी मृत्यु हो गई।